आप एक मान लीजिए आपको एक कंटेनर दिया है, इस कंटेनर में एक पोरस मेम्ब्रेन है, पोरस मेम्ब्रेन है, और कंटेनर के दोनों तरफ सॉल्यूशंस पड़े हैं, इस तरफ भी सॉल्यूशन और इस तरफ भी सॉल्यूशन। सपोज इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोलर NaCl, मान लो 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, आप इसको ऐसे ही मान लो सिंप्लिसिटी के लिए, 1 मोल NaCl है और 1 लीटर वाटर है साइड ए में। ओके, साइड बी में मान लीजिए 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, मतलब 2 मोल NaCl और 1 लीटर पानी है। सिंपल डिफ्यूजन का रूल है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अच्छा देखो ये जो मेम्ब्रेन है इसके दोनों तरफ मूवमेंट होने वाली है, ए से बी और बी से दोनों तरफ पार्टिकल मूव करेंगे, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। पहले मैं सॉल्यूट की बात करता हूँ, सॉल्यूट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, सॉल्यूट ए से बी भी मूव करेगा और बी से ए भी मूव करेगा, बट ज्यादा मूवमेंट सॉल्यूट की कहाँ से होगी, ए से बी या बी से, बी से ए। जहां ज्यादा मात्रा में मौजूद है वहां से चल के जहां कम मात्रा में मौजूद है वहां जाएगा, यही होता है डिफ्यूजन का रूल, जहां ज्यादा होता है वहां से चल के जहां कम होता है वहां चला जाता है। तो बी में सॉल्यूट ज्यादा है तो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है फ्रॉम बी टू ए, ये बात ध्यान रखना मैं वर्ड यूज करूँ, नेट मूवमेंट। ऐसा नहीं कि ए से बी जा ही नहीं रहा सॉल्यूट, पर बी से ए ज्यादा जा रहा है। क्लियर है बातें, सॉल्यूट की मूवमेंट इज फ्रॉम बी टू ए नेट। नेक्स्ट सर पर जो पॉइंट, दोनों ही जाओगे पर बी टू ए जी बी सी के लिए वो है हाँ बी टू ए ज्यादा है ए टू बी से। अब क्या है सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, ए में है ना, बी में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट मत देखो कॉन्सेंट्रेशन देखो, समझ में आई बात, कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है पानी की कहाँ ज्यादा है, ए में, ए। ठीक है ना बातें। तो वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होने वाली है, ए टू बी नेट, सॉल्वेंट भी दोनों तरफ मूव करेगा बट नेट मूवमेंट इज फ्रॉम ए टू बी, ये बात क्लियर है, जहां सॉल्वेंट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में वहां से जहां कम में वहां जा रहा है। ओके, अब क्या करो आप इस मेम्ब्रेन को चेंज कर दो, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ठीक है ना, सर पर अपन पता कि मतलब ये अभी एज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ए में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कैसे पता चला, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, 1 मोलर ये 2 मोलर, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो ऑब्वियसली वाटर की ज्यादा होगी ना, मतलब बी जाने से अभी कॉन्सेंट्रेशन हाँ बी में एनएसीएल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एनएसीएल की ज्यादा तो पानी की कम होगी ना, सिंपल बात है, ठीक है ना बात भाई, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तुम्हारे पास तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा सॉल्वेंट की कम, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करो, अब आप इस जो जो हमने मेम्ब्रेन लगाई है ना बीच में, ये मेम्ब्रेन है ना, इसका पार्टिकल साइज छोटा कर दो, इसका पार्टिकल साइज छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि इसमें सॉल्वेंट ही मूव कर पाए, सॉल्यूट मूव ही ना कर पाए। नॉर्मली सॉल्यूट बड़ा होता है, सॉल्वेंट होता है छोटा साइज में, आप पार्टिकल साइज ऐसा कर दो पोर्स का इस मेम्ब्रेन के कि उसमें से सॉल्यूट मूव ना कर पाए, सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर पाए। सेम सॉल्यूशंस हमने लिए हैं ए और बी, 1 मोलर NaCl यहां पे, 2 मोलर NaCl। अब सॉल्यूट की तो मूवमेंट ही खत्म कर दिया आपने, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेमी है वो, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब पास होना, तो उसकी परमिएबिलिटी सेमी है, मतलब किसी को अलाउ करेगा किसी को नहीं करेगा, सॉल्वेंट को अलाउ करेगा। तो सॉल्यूट की तो आपने मूवमेंट ही बंद करा दी, जो इधर से इधर सॉल्यूट जा रहा था वो आपने बंद करा दिया, बचेगा सिर्फ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्वेंट वही, अब जहां पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से चल के जहां सॉल्वेंट कम है वहां मूव हो रहा है,
ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं, ये कितना कॉम्प्लेक्स लगता है बोलने में कि जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से चल के जहां सॉल्वेंट कम है वहां जा रहा है, हो ऐसा ही रहा है, पर इसको बोलते ऐसे हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखो 1 मोलर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ना, 2 मोलर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज करते हो ना, आप सॉल्यूट की अमाउंट के लिए यूज करते हो, आप सॉल्वेंट के अमाउंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन शब्द यूज नहीं करते, सही है ना बात है। लेकिन यहाँ मूवमेंट सॉल्वेंट की हो रही है, इसलिए ये कंफ्यूजन आता है। एक्चुअली क्या हो रहा है, सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, पर बोलते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं व्हेन सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। वहां पे ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की होती है, क्लियर है बात है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑपोजिट भी नहीं, हो ऐसा नहीं सकता होगा, ठीक है। ऑपोजिट कैसे हो जाएगा, सॉल्यूट पास करे सॉल्वेंट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। सॉल्वेंट बड़ा होता है ना, सॉल्यूट छोटा होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये है। अच्छा ये केस देखो, सेम है, एक तरफ वाटर ले लो, प्योर वाटर ही ले लो, और एक तरफ 1 मोलर NaCl। अब बताओ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर से NaCl, यही जाएगा ना। प्योर है जहां वहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की, और NaCl में कम कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की 1 मोलर में, तो यहां से यहां जाएगा, ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये 0 मोलर ही हो गया ना, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए, फ्रॉम ऐसे लिख लो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये देखो ये सॉल्वेंट है ना, वाटर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ए मेम्ब्रेन विच अलाउज स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स, जो कि सॉल्वेंट होते हैं बट डू नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ लार्ज साइज पार्टिकल जो कि सॉल्यूट होते हैं टू मूव अक्रॉस इट, इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो जिसका पोर साइज ना ऐसा होता है कि वो छोटे पार्टिकल्स को अलाउ करता है, बड़े पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता। छोटे पार्टिकल किसके होते हैं, सॉल्वेंट के, बड़े पार्टिकल किसके होते हैं, सॉल्यूट के, तो उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, पिग्स ब्लैडर, जो पिग होता है, पिग तो पता ना क्या होता है, पिग का जो ब्लैडर होता है उसकी मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर आपने देखा होगा बेकरीज में यूज होता है, देखा आपने पेस्ट्रीज पे ऐसे लगा होता है पेपर सा, ये पार्चमेंट पेपर होता है, ठीक है। तो ये भी सेमी परमेबल होता है। दूसरा, ये सेलोफेन, सेलोफेन ना बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है। आजकल इन्वायरमेंटल इश्यूज ज्यादा चल रहे हैं ना, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, तो सेलुलोज एक, सॉरी सेलोफेन एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, पैकिंग में यूज होता है ये सेलोफेन की पैकिंग यहाँ पे शो की हुई है। तो ये ना सेलुलोज से बनता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनती है,
स्ट्रक्चरल यूनिट जो है प्लांट्स में वो सेलुलोज से बना होता है, तो उससे बनता है सेलोपेन। इतना नहीं पता होना चाहिए हमको, बस ये याद रखना कि सेलोपेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। पार्चमेंट पेपर, पिग्स ब्लड और सेलोपेन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर कैरिंग आउट रिवर्स ऑस्मोसिस। सेलुलोज एसीटेट है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है मैं बताता हूँ। तो सेलुलोज एसीटेट मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलुलोज एसीटेट से भी बन सकती है। ओके एग्जाम्पल है इसका। अगला, व्हाई अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड व्हेन असर्शन रीजन है बताइएगा। व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू इट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। सही है गलत है? सही है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ये तो सही है। चलो, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ये सही है बात, ये गलत है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो नहीं, कहां से लो से हाई। अगर आप बोलोगे लो से हाई ही बोलोगे, हाई से लो कभी बोलना ही नहीं आपने, क्योंकि कन्वेंशन क्या है कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बताई जाती है, तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तो सॉल्वेंट की ऑटोमेटिकली हाई होगी। तो सॉल्वेंट कहां मूव करता है? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो गलत हो गया है। तो क्या है? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। क्लियर। नेक्स्ट ये देखो, व्हेन कैप्ट इन वाटर रेजिन्स स्वेल इन साइज। जो हम वो नहीं भिगो के नहीं खाते, क्या बोलते हैं उसको, रेजिन को क्या बोलते हैं? ताखा, है ना। तो वो जो रेजिन्स होते हैं वो, तो उसको जब आप भिगो देते तो वो फूल जाता है ना। क्यों फूलता है वो बताया, ठीक है ना, ऑस्मोसिस की वजह से फूलता है। देखो, ये आपने रेजिन रख दिया अंदर, ये है पानी। अब रेजिन के अंदर कुछ तो होगा ना, पानी तो प्योर वाटर है, वो तो प्योर वाटर है ना। रेजिन के अंदर कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगा सोल्यूशन का, सम है ना, अंदर तो उसके सोल्यूशन है ना रेजिन के अंदर। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा? प्योर से सोल्यूशन साइड। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, जो रेजिन की मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल होती है, इसलिए वो फूल जाता है ऑस्मोसिस की वजह। सिंपल बात है, क्लियर बात। वाटर मूव्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड, ये प्योर सॉल्वेंट है मतलब बाहर आउटसाइड, टू सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन रेजिन के अंदर तो सॉल्यूशन ही है ना, इनसाइड अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए वो फूल जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। चलो, फर्स्ट पार्ट हो गया। गिव थ्री एप्लीकेशंस ऑफ फिनोमिना। ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया के तीन फायदे बताने। कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ऑस्मोसिस हो रही है। ऑस्मोसिस के तीन फायदे पूछे। तो एप्लीकेशंस, वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। जो वाटर मूव करता है रूट से, है ना, सॉइल से रूट्स में जाता है वाटर, रूट से फिर वाटर ऊपर जाता है प्लांट की बॉडी में। इस ऑस्मोसिस इसका एक पार्ट है। ऑस्मोसिस भी कैपिलरी एक्शन भी होता है इसमें, पर ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑल्सो दिस हैपन्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन बाय सॉल्टिंग। देखो, नमक डाल दो, फूड है ना, मान लो फूड है, फ्रूट्स है, उसके ऊपर नमक छिड़क दो तो वो प्रिजर्व हो जाता है। क्यों प्रिजर्व होता है देखो समझाता हूँ। ये जो हमने ऊपर प्रोसेस करी है ना, ये वाली, ये प्रोसेस, इससे रिवर्स प्रोसेस होती है। मान लो ये है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को नमक वाले पानी में रख दो, सॉल्ट वाटर। बैक्टीरिया को नमक वाले पानी में डाल दिया, अब बैक्टीरिया के अंदर भी तो कुछ पानी होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। बैक्टीरिया के अंदर जो पानी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर रख दिया, तो कहां से कहां मूव करेगा पानी? बैक्टीरिया के अंदर से बाहर, तो अंदर बैक्टीरिया के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा बैक्टीरिया, मर जाएगा। जैसे अचार डालते हैं, अचार भी ऐसे ही डालते हैं ना,
अचार को नमक वाले पानी में रख देते हैं, मतलब ऐसे नमक वाले पानी में रखते, लेकिन नमक ही होता ना, नमक ही होता ना अचार, तो बाहर क्या है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और अचार के अंदर जो फ्रूट है मान लो आम का अचार डाला, उसके अंदर क्या है कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो अंदर से बाहर चला जाएगा पानी, वो पिचक जाता है अचार, फिर ऐसी बैक्टीरिया पिचक के मर जाएगा जब आप उसको सॉल्ट वाटर में रखोगे, मतलब फूड के ऊपर नमक छिड़क दो तो पानी तो होता ही है उसमें, तो बच जाए फिर वो प्रिजर्व हो जाता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन बाय सॉल्टिंग। अगला प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन बाय एडिंग शुगर। शुगर ऐड कर लो चाहे सॉल्ट ऐड कर लो, बात तो वही है ना, कॉन्सेंट्रेशन की बात है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी चाहे सॉल्ट की चाहे शुगर की, वो तो ऑस्मोसिस करा देगा। ये समझाया हुआ है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ए बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट्स लूजेस वाटर श्रिवल्स एंड डाइज, पिचक जाता है और मर जाता है, ठीक है। डिस्कस बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो पानी है वो सॉयल से प्लांट्स के रूट्स में और प्लांट्स की रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स में ऑस्मोसिस से जाता है, पार्टली ड्यू टू ऑस्मोसिस। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, अभी बात की हमने, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग एंड ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। तो कैसे होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो पानी होता है वो बाहर चला जाता है, बैक्टीरिया पिचक के मर जाता है, ठीक है बात है। अगली एप्लीकेशन रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ना, डिसेलिनेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है बताऊंगा, आरओ नहीं सुने आपने, आरओ वाटर प्यूरिफायर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये मैं बताता हूँ कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो उससे पानी, समुन्द्र का पानी उससे प्योरीफाई, मतलब नमक वाला पानी उससे प्योरीफाई कर लेते हैं, ओके। ये फिलहाल आप याद कर लो, रिवर्स ऑस्मोसिस में बताता हूँ क्या होता है। नेक्स्ट, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज, यही बताया। देखो कच्चा आम, ये कच्चा आम है, कच्चे आम को आपने कहाँ रख दिया, सॉल्ट सोल्यूशन में, वो बोल रहा है पिचक जाता है वो, श्रिवल्स मतलब पिचक जाना, पिचक जाता है और उसका अचार बन जाता है। क्यों पिचक जाता है भाई, क्योंकि बाहर आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन रख दिया है ना, और आम के अंदर क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का, तो पानी कहाँ से काम ओवर करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, और आम पिचक जाएगा बस। तो क्या है, इट लूजेज वाटर होगा, गेन वाटर, लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, रिवर्स तो मैंने भी कराया नहीं, ऑस्मोसिस की वजह से वो पानी लूज करके पिचक जाता है।